स्टोरी की शुरुआत होती है गुकू और डेकू से, जो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बोलते हैं तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश। तो गुरु लोग, इस स्टोरी को लिखा है भाई बुकमार्क 2247 ने, और बहुत ही बेस्ट स्टोरी लिखी है इसने। जिस तरीके से मांगा है ना, लिटरली काफी छोटे में है मांगा, मतलब कुछ ही पेजेस में, बट बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अगर तुम लोग इसको सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो इसके इन्फॉर्मेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो फटाफट जाओ इसके इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, वीडियो करता हूँ स्टार्ट। और वीडियो में पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए। दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं, ये एक अदर वर्ल्ड का बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक नंबर वन हीरो है। उसके बाद ही अपना जो डेकू होता है सबसे पहला अटैक करता है, बोलता है जो भी होगा देखा जाएगा। डेकू फटाफट बहुत ही फास्ट तरीके से गुगु के ऊपर हमला करना चालू होता है, बट जो अपना गुगु होता है उसके सारे जितने भी पंचेस होते हैं या किक होती है आराम से डॉच करता है। फिर उसी टाइम पे जो अपना गुगु भी कहाँ पीछे रहने वाला होता है, और वो भी एक जोरदार पंच रेडी कर लेता है। जब डेकू उसे पंच करता है तब गुगु भी उसे पंच कर देता है, और गुगु का पंच हम सभी जानते हैं कितना सॉलिड होता है, वो डेकू के काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और जिसको देखते हुए डेकू बोलता है ये तो लिटरली भाई ऑल माइट के जैसा है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा पावर है। और यहीं पे हमें थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं कि गोकू के हाथ में भी थोड़ी बहुत झंझनाहट होती है। उसके बाद गोकू डेकू से पूछता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, अपने एज के हिसाब से तुम ट्रेनिंग कहां पर करते हो। डेकू जहां पर गिरा होता है वहीं पर वो उठ खड़ा होता है, कोई रिप्लाई नहीं देता, लेकिन अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी जो पावर है ना 1/4 ऑल के जैसी, और लिटरली इसने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया फाइट करना, है तो मेरे साथ खेल रहा है, इसलिए मुझे इससे डिस्टेंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि पीछे हटो बेवकूफ, और वो शख्स कोई और नहीं होता है, वो होता है काचन, यस होता है वो बाकू। और वो गुगु से फाइट करने के लिए सामने आने लगता है, लेकिन जो अपना डेकू होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अपना बाकू को डेकू को शांत कराते हुए उसे बोलता है शट अप बेवकूफ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना बोलने के बाद बाकुगो गुगु के ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है, और लिटरली काफी सारे अटैक करता है, और उसको वो खुद एक्सप्लोजन भी यूज करता है, और डायरेक्ट गुगु के फेस पे ही वो एक्सप्लोजन एक्चुअल में लगने ही वाला होता है। और उसको देखते हुए अपना डेकू बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज था, लिटरली ये डायरेक्टली हिट करने वाला है, उस पे असर भी करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं बाकुगो जब अपना अटैक करने के बाद शांत होता है, लेकिन हम फिर वहां से वॉइस सुनते हैं और बोलता है तुम लोग बहुत ज्यादा फनी हो, ये वॉइस होती है गुगु की। तभी बोलता है गुगु अब ये मेरी बारी, और गुगु काम में हमें अटैक बाकू को बेक कर देता है। बाकू को बहुत ही ज्यादा बड़ी मुश्किल से उस अटैक से बच पाता, और तुम लोग लिटरली देख सकते हो किस तरीके से और कितनी प्रॉब्लम के साथ में बाकुगो को काम में हमें अटैक से बचना पड़ रहा है। और लिटरली इसके बाद अपना जो बाकुगो है बोलता है ये क्या हुआ, और वहीं पर डेकू सोचता है ये किस तरीके का क्वार्क है, और अपना गुगु बताता है इट्स माय कामेहामेहा, ये मेरा कामेहामेहा एक तरीके का पार्ट टैग है। वहीं पर अपना बाकुगो बोलता है सो व्हाट क्या। तो गुरु लोग यहीं पर होती है स्टोरी खत्म। देखो गुरु लोग, और भी अगर पेजेस आते हैं तो मैं तुम लोग को उस पे वीडियो बना के दे दूंगा, लेकिन उस वीडियो को मिस ना करो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, और चैनल को भाई कितना भी बोलू तुम लोग नहीं करते, पर चाहता हूँ मैं भाई 100K सब्सक्राइबर कम्प्लीट करा दो भाई, प्लीज इस साल के खत्म होने तक प्लीज 100K सब्सक्राइबर कम्प्लीट करा देना, क्योंकि भाई इसके लिए मैं तुम्हारे सबका दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ, तो प्लीज कर देना। और वीडियो पसंद भी आए तो भाई सपोर्ट दिखाते ही रहना जैसे पहले दिखाते हुए आए हो।